हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने अटल बिहारी माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड सर्विस एंड स्पोर्ट्स मनाली के साथ एक एमओयू किया है, जिसमें हमने जिला कुल्लू की एडवेंचर टूरिज्म की संभावनाओं को देखते हुए उसमें रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग गाइड, सर्च एंड रेस्क्यू मैनेजमेंट एंड स्की के चार कोर्स इन्वॉल्व किए हैं। हमारा 35 बच्चों का बैच जो है अभी ट्रेनिंग ले रहा है, तो ये जो बच्चे हैं, हमारा मेन जो मैंडेट है हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम का कि इन बच्चों के लाइवलीहुड को कैसे अपलिफ्ट किया जाए, उसी कड़ी में हम इन बच्चों को ये रिवर राफ्टिंग के कोर्स करा रहे हैं। इस कोर्स के संदर्भ में इनको व्हाइट वाटर स्विमिंग, व्हाइट वाटर रिवर राफ्टिंग, व्हाइट वाटर कयाकिंग, व्हाइट वाटर कैनोइंग प्लस वाटर सेफ्टी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में सेफ्टी, वाटर रेस्क्यू, इन सभी चीज़ों का विधिवत प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिसमें बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। थोड़ा पैनिक हुआ, बट जैसे ही जंप किया तो बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं अभी मेरे को फिर से बोलेंगे ना, फिर मैं फिर से ही चली जाऊंगी पानी में। नहीं, अब मुझे डर ही नहीं है। जब मैं फर्स्ट टाइम आई ना, मैंने सोचा नहीं था मैं यहाँ से मतलब यहाँ जाऊंगी मैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ भी नहीं है, मैं इससे ज़्यादा कर सकती हूँ। मैक्सिमम जो पेरेंट्स होते हैं ना, लड़कियों को भेजते नहीं है वो ज़्यादा ना, लड़कियों को कि नहीं ये नहीं करना है वो नहीं करना है ना। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, लड़कियाँ कुछ भी कर सकती है ना। मैं एक लड़की हूँ, मैं बोलती हूँ मुझे पीछे से भेजोगे ना, मैं वो भी करूँगी। हम इन बच्चों को ये रिवर राफ्टिंग के कोर्स करा रहे हैं। एडवेंचर टूरिज्म की जिला कुल्लू में बहुत सी संभावनाएं हैं और लगभग 5,000 परिवार ऐसे हैं जो एडवेंचर टूरिज्म के साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। इस सारी संभावनाओं को देखते हुए हमने कौशल विकास निगम ने यहाँ के युवाओं को एडवेंचर टूरिज्म में कैसे अपलिफ्ट किया जाए, इसके लिए हम ट्रेनिंग दे रहे हैं कौशल विकास निगम की तरफ से। और हम लिंक कर रहे हैं, आज हमने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को भी बुलाया हुआ था कि जो हमारे ट्रेनी हैं उनका एक सेशन लिया गया, जिसमें ये बताया गया कि गवर्नमेंट की किन स्कीमों को लेकर के ये अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जनरेट कर सकते हैं, ताकि ये इनको अपने डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ही ये रोज़गार देने वाले ना बने, रोज़गार देने वाले बने और लोगों को भी यहाँ पर रोज़गार दें। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा जो है ये कोर्स करवाया जा रहा है, और इसमें हमें ये बेनिफिट रहता है कि ये कोर्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसमें कायाकिंग का, स्विमिंग का, सेल्फ रेस्क्यू का हमें सीखने को मिलता है। मेरे परिवार को जो है रोज़गार मिला है, मुझे अपने परिवार को पालने का मौका मिला है कि मैं उनका पालन पोषण कर सकूँ इस कोर्स के माध्यम से। इस कोर्स को करवाने का हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम का धन्यवाद करती हूँ। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सीखने आया हूँ रेस्क्यू और कुछ और नॉलेज इसके बारे में। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये कितनी फीस ले रहे हैं आपकी? ये फ्री है सर। अच्छा, कौन करवा रहा है पता है इसके बारे में? टाइम हिमाचल कौशल विकास के द्वारा करवाया जा रहा है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या सीखने को मिला? कुछ बहुत ज़्यादा नया सीखने को मिला है। रेस्क्यू कैसे करना है, व्हाइट वाटर में क्या होता है, काफ़ी कुछ हमारे इंस्पेक्टर जी ने हमारे को सिखाया है, तो अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके थोड़ा। माई सेल्फ अजीत और मैं सर रिवर राफ्टिंग सेंटर पीडी से HVKVN द्वारा प्रायोजित बेसिक रिवर राफ्टिंग कोर्स कर रहा हूँ, और
इसमें हम बेसिक राफ्टिंग स्किल्स, बेसिक स्विमिंग स्किल्स सीख रहे हैं, साथ में सेल्फ रेस्क्यू स्किल सीख रहे हैं। बहुत सी नई चीज़ें हमें को यहाँ पे सीखने को मिल रही है और हमारी बहुत एक्सपेक्टेशन इस कोर्स को करते हुए हमारी एक्सपेक्टेशंस है कि यहाँ पे जो हमें सिखाया जा रहा है इसको हम इम्प्लीमेंट करके खुद भी रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं और एक सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी कर सकते हैं। और मैं थैंकफुल हूँ एबीमास एंड एचपी केवीएन जो हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें दे रहा है, जिससे कि हम, जैसे कि देश में अनएम्प्लॉयबिलिटी एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है और जो जिस अभिमास और एचपी केवीएन इस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है, ये एक बहुत बड़ी उम्मीद बनकर आगे आया है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि इस तरह के कोर्सेज जो एचपी केवीएन जो स्पॉन्सर कर रहा है, ये देश में अनएम्प्लॉयबिलिटी को कम करने में बहुत सफल साबित हुआ है। मैं हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम का धन्यवाद करती हूँ जो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स करवा रहे हैं, जिससे मैं अपने ही ज़िले में अपना रोज़गार प्राप्त कर सकती हूँ। धन्यवाद। हिमाचल विकास कौशल विकास निगम और अटल बिहारी इंस्टीट्यूट मनाली के जॉइंट वेंचर में ये 14 दिन की जो ट्रेनिंग एक्टिविटीज चल रही हैं कुल्लू मनाली के युवक और युवतियों के लिए, आज उद्योग विभाग हिमाचल प्रदेश की तरफ से हमें यहाँ आने का मौका मिला। ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के बारे में आज मैंने इनको यहाँ पर विस्तार से बताया, जिसमें कि 18 से 45 साल के मेल और 18 से 50 साल तक के बेरोजगार युवतियाँ फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कीम में 25 से 35% तक की सब्सिडीज़ अलग अलग कैटेगरीज में मिलती हैं इनको सरकार की तरफ से, और 3 साल तक इंटरेस्ट पर भी 5% की सब्सिडी मिलती है। CGTMSE की फ़ीस भी 100% रिमबर्स होती है, जिससे कि ये, इनको मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बताए हैं, 5-6 बड़े नॉमिनल्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको लेकर ये हमारे पोर्टल पर कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। और इनकी एक इंटरव्यूज़ होती है, इंटरव्यूज़ के बाद केस जो है बैंक को भेज दिया जाता है, जिससे कि बैंक इनकी हेल्प करता है फाइनेंशियली और ये अपनी राफ्ट लेके अपने ऑफिस खोल के अपना काम शुरू कर सकते हैं, जिससे कि इन्हें काम सीखने के बाद कहीं इधर उधर ना भटकना पड़े और ये घर बैठे ही अपना काम शुरू कर सकते हैं। फ्रॉम चाइल्डहुड मैं कहीं ना कहीं सोचती थी कि मुझे रिवर राफ्टिंग में, मेरा पैशन था कि मैं रिवर राफ्टिंग करूँ। एडवेंचर, हिमाचल एक बहुत अच्छा स्पॉट है जहाँ कि फीमेल्स को मतलब एडवेंचर करने का मौका मिलता है। तो थ्रू KVN HP KVN कौशल विकास निगम आई गॉट अपॉर्चुनिटी इन नियर बाई प्लेस विच इज़ रिवर राफ्टिंग सेंटर एट बिल्डिंग, सो आई गॉट एनरोल्ड हियर। अब अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगी, तो जब आई मतलब डर लगता था, इवन जो मैं ठंडा पानी स्प्लैश करूँगी अपने फेस में, तो आई वॉज वेरी मतलब डर लगता था। तो फिर आफ्टर दिस कोर्स आई एम एलिजिबल इनफ टू स्विम इन वाटर, तो ये मेरे लिए की बहुत अच्छी बात है कि आई एम केपेबल इनफ टू स्विम इन वाटर, रेस्क्यू माई सेल्फ एंड अदर मेट। वी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स सच एज कोऑर्डिनेशन। इसको करने के बाद हमें अपने ही स्टेटहुड में एम्प्लॉयमेंट का, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एज प्राइवेट एंड पब्लिक का अपॉर्चुनिटी मिला है अपने ही स्टेटहुड में, जिससे कुल्लू में हम काम कर सकते हैं। सो वी आर बेसिकली जो इस KVN इसे हम एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो फिर इस कोर्स करने के बाद हम इतने कैपेबल हैं कि हम खुद अपनी लाइवलीहुड के लिए खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। पूर्ण रूप से इसका फ़ायदा जो हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की ओर से ये कोर्स प्रायोजित करवाया जा रहा है, इसका संयुक्त पूर्ण रूप से इसका फ़ायदा बच्चों को मिलेगा, क्योंकि आज से पहले बच्चों को 14,000 रुपये दे के कोर्स करना पड़ता था। तो गरीब परिवार से संबंध रखने वाले व्यक्ति एवं दूर दराज के जिलों के बच्चों को ये कोर्स प्रदान नहीं किया जाता था। तो इस मुहिम के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार की कौशल विकास निगम की ओर से इस मदद से बच्चे कोर्स कर रहे हैं और मैं धन्यवादी हूँ कौशल विकास निगम का। जी, थैंक यू हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम। स्किल इंडिया, कौशल भारत, कुशल भारत।